तो स्वागत करता हूँ हमने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मोरा और आप देख रहे हैं हमारी स्मार्ट ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आपका भाई 40 साल बाद वाली फिल्म फिर से लेके आ गया है जिसका नाम था नदिया के पार। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और अभी मैं हूँ उसी गांव में। और देखिए इधर वो वाला कुआँ है जहाँ पे गुंजा पानी भरती हैं, बाल्टी गिर जाती है। तो इस सीन में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर होली होता है, होली वाला गाना जहाँ पर होलिका जलाई जाती हैं वो वाला सीन। और ठकुराइन जो है आती हैं कुछ लेके, तो पता नहीं डलवे में कुछ लेके आती हैं। तो दो गलियों ये उधर से दो लोग आते हैं, चंदन के पिता पिता और ठकुराइन उधर से। तो वो आपको दिखाने वाला हूँ, तो देख लीजिए यहीं पर वो गाना होता है होली वाला जो धीरे धीरे धीरे, हाँ वही वाला। तो आप देख सकते हो ये वाला मैदान यहाँ पे लगता है होली वाला वो होता है। और पीछे के मकान कच्चे होते हैं, काफ़ी सारे टूट चुके हैं, यहाँ पे 40 वर्ष हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये वाला शायद मकान का सीन कुछ आया हुआ है और यहाँ पे होता है सीन वो। और ठकुराइन जो निकलती हैं वो वाला सीन भी दिखाने वाला हूँ। इधर से आप देख रहे हो इधर से आते हैं दो लोग जो चंदन के पिता होते हैं वो, और ठकुराइन इधर से इस वाली गली से आती हैं। तो वो आपको दिखाने वाला हूँ, तो मैच करा लीजिएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो इधर से आते हैं चंदन के पिता, इधर से ठकुराइन आती हैं। तो यहीं पर थोड़ी बातचीत मतलब मजाक उचाक होता है, तो यहीं का सीन लिया गया है। मैच करा लीजिए, करंट लोकेशन यहीं के लोगों से पूछा है, गाँव के लोगों से। और मैं कैसे मतलब अपने हिसाब से तो बता नहीं सकता, पूछना ही पड़ता है लोकेशन। तो मैच करा लीजिए, करंट लोकेशन है यहाँ की। और ये है होली वाला पूरा दृश्य, देख सकते हो ये यहाँ पर होली होती है, क्योंकि पूरे गांव में यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मैदान है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल मैदान, ये देखिए नए नए पेड़ यहाँ पे आ गए हैं, ये आम का पेड़। ये है विजयपुर गांव, चंदन का गांव। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये देखिए दूर दूर घर बने हुए हैं। गाँव को टहला रहे हैं आपको, इस गांव की नालियों को देखिए किस तरीके से, मतलब बहुत ही अजीब गांव लग रहा है देखने में। ये देखिए ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो इधर का, ये दादाजी कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। दादाजी ये पानी भरने वाला कुआं यही तो है ना? यही नहीं हुआ है। अच्छा नहीं, यही है कुआं। कौन सा पानी वाला? आओ तुमको दिखाते हैं। हाँ हाँ बाल्टी गिरने वाला सीन। सो दोस्तों आप देख सकते हो होली वाला जो गाना हुआ था यहीं पर हुआ था पूरा। ये वाला घर जो था ये शायद, तो आप देख सकते हो इधर गांव का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर इस साइड से। देखिए ये किधर से रास्ता आया हुआ है, इधर से उधर से उधर से अनुज जा रहे हैं उधर। सो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर सॉन्ग हुआ था, आप देख सकते हो ये पहले दूसरे पेड़ थे लेकिन अब ये दूसरे पेड़ यहाँ पे उगाए हैं। और ये वाला घर भी आया हुआ उसमें यहीं पे, दादा लोग बता रहे हैं यहीं पे होली वाला जो गाना हुआ था। यहाँ पे ये सभी कच्चे घर थे पहले, लेकिन अब जो है समय के अनुसार यहाँ पर परिवर्तित होता चला गया है। और यहाँ पर वो वाला कुआँ है, आप देख सकते हो वो वाला कुआँ जहाँ पर गुंजा की बाल्टी गिरती नहीं है, वो जान को जान कर गिरा देती हैं। तो आप देख सकते हो ये कुआं, पास से दिखाते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये है वो कुआं जहाँ पे रज्जो पानी भरती हैं और बाल्टी जो होती है जान कर छोड़ देती हैं ताकि चंदन जो है वो निकालें आके। तो ये कुआं आप देख सकते हो, देखिए कुआं कुछ इस टाइप में अब भी है, डर लग रहा है इसमें, अंधेरा है बिल्कुल। इधर से आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे ये पूरी टूट चुकी है। और इसी तरीके से कुएं पूरे गांव में मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इधर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब, ये देखिए इधर से सीन, उधर से लूँगा तो बेकार सीन आएगा। दादी जी हम एक बार आए थे इसी तरीके से, भुट्टे तब भी टंगे हुए थे अब भी टंगे हुए हैं ये। क्या भुट्टे? भुट्टे ये मकाई। एक बार आए थे तब भी इसी तरीके से टंगे हुए थे, अब भी उसी तरीके से टंगे हुए हैं। खेती में ना डालने के लिए। अच्छा चूहों से बचने के लिए। चूहा। अच्छा ये जो पास वाले दादाजी हैं जिनके घर में सूट हुई थी, ये लगता शायद सूट नहीं करने देते हैं। नहीं घाले जाए, क्यों? हाँ, अपने घर में आले देगा।
हाँ वो बात अभी जमाना लद गया, बहुत लंबे गया। हाँ पहले मतलब सूट हाँ, करने देते थे पहले बुढ़ा लोग को दूसरे मीनार। हाँ जैसे पहले के जमाने में जमीन ज्यादा होती थी तो दे देते थे जो वो जाके, उसी तरीके से ये भी था हमें लग रहा। बात ये जो प्रोड्यूसर वो थे मैनेजर साहब रामजनक सिंह जी, उन्हीं के कारण यहाँ पे फिल्म बनी हुई थी। तो अब मना भी नहीं करते बनता कि गांव वो गांव रहता है ना, ठाकुर रहता है। अच्छा अच्छा, जो श्री रामजनक सिंह जी थे वो ठाकुर थे। अच्छा, वो लोग सब लोग मुंबई में तो शायद एक दो लोग रहते हैं, तीन लड़का रहता है बम्बई में। अच्छा चार चार पांच लोग हैं क्या? हाँ चार। अच्छा चार लोग हैं, उसका वो जनक का औरत भी हुई उधर बहू है। अच्छा 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 अच्छा, सब परिवार। रात का है ट्रेन का? अच्छा रात का है, 12 बजे का ट्रेन मेरा, पर है कि जल्दी। दादी जी इसमें अभी भी पानी आता है? हाँ पानी पीने वाला बढ़िया। हाँ हाँ बढ़िया पानी, मीठा पानी आता होगा इसमें? मीठा मीठा नहीं, वो ठंडा बहुत रहता है। अच्छा हाँ मीठा भी शायद होगा। चलिए दादी जी फिर चलते हैं, हम निकलते हैं। बस आशीर्वाद बनाए रखिए इसी तरीके से। दादी जी यहाँ हमको गांव में कल्चर बहुत अच्छा लगता है, किसी से भी कुछ भी पूछना हो तो कोई मना नहीं करता, मतलब घमंड होता है आजकल के जमाने में। आदमी से आदमी बोलेगा नहीं, जब ही हम सबके वो जमाने में मेरा सास ससुर हम सबको कुछ भी बात नहीं करने देते। अच्छा अभी तो मैं बुढ़ी हो गई ना, मेरा बाल बच्चा है। हाँ तो हम सब तो बच्चन से बात कर लेगा जी, अभी बुढ़ा लोग आएगा तो नहीं बात करेगा। हाँ हाँ सही बताए दादी जी। चले अनुज भाई, चलिए दादी जी चलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद जी दादी जी। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे जो ठकुराइन वाला सीन था, तो मैच कराने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि 40 वर्ष हो चुके हैं इस वजह से, और यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू भवन भी तैयार हो चुके हैं और पुराने भवन गिर चुके हैं, तो मैच कराना बेहद ही मुश्किल हो चुका है और मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा बैठ गया। मैं आपको बता दूँ, 4 दिन से मैं लगातार वीडियो ही शूट कर रहा हूँ। पहले तो मिर्ज़ापुर गया, मिर्ज़ापुर बनारस पूरा शूट किया, बनारस के बाद यहाँ पे आया हूँ, और रात में सो भी नहीं पाया क्योंकि डाटा ट्रांसफरिंग हो रही थी अनुज भाई का, और इस वजह से सोया भी नहीं था। और अभी मैं आपको बता दूँ, देवकली से और राजेपुर का डिस्टेंस समथिंग 11 किलोमीटर का है, और 11 किलो का जो हमने पैदल ही कवर किया है इधर, क्योंकि वहाँ देवकली से जो कुछ साधन आधन मिलते नहीं हैं, मिलते हैं 2-3 घंटा वेट करना पड़ता तब एक ऑटो फुल होता है, तो इसलिए हम लोग पैदल ही निकला है। यहाँ पे टाइम नष्ट नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।